विंझीजम बंदरगाह पर आज पहुंचेगा पहला कार्गो कैरियर। जैन हुआ 15 जहाज पूर्वी चीन सागर से आ रहा। केरल के सीएम ने दी जानकारी। आज यानी 15 अक्टूबर को हैवी कार्गो कैरियर पानी का जहाज जैन हुआ 15 विंझीजम बंदरगाह पोर्ट पर पहुंचेगा। ये विंझीजम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर होगा। केरल में स्थित ये बंदरगाह ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट है। जैन हुआ 15 पूर्वी चीन सागर आ रहा है। पोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री सीएम पिनारई विजयन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उद्घाटन पोत जैन हुआ 15 अक्टूबर को भारत के प्रमुख बंदरगाह विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर उतरने के लिए तैयार है। कंटेनर ट्रांसशिपमेंट क्षमताओं और प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास होने के कारण यह केरल के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए एक गेम चेंजर है। विंझीजम पोर्ट का लक्ष्य सालाना 10 लाख कंटेनरों को संभालना है, जो सिंगापुर को भी पीछे छोड़ देगा। ये उल्लेखनीय है, परियोजना निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के असंख्यक अवसर पैदा करने के साथ साथ देश के गौरव और प्रगति में योगदान देने के लिए तैयार है। इसके साथ उन्होंने इस बंदरगाह का एक वीडियो भी शेयर किया है। जहाज ने अगस्त के अंत में चीन से अपनी यात्रा शुरू की थी। इस विंझीजम बंदरगाह पर 4 अक्टूबर को पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे पहुंचने में देरी हुई और ये आज यहां पहुंचेगा। अडानी पोर्ट्स 13 बंदरगाहों का संचालन करती है। इनमें गंगावरम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, टूना टर्मिनल, दाहेज पोर्ट, हजीरा पोर्ट, मोरमुगाव पोर्ट, विंझीजम पोर्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट, एनोर टर्मिनल, धामरा पोर्ट, दीघी पोर्ट और कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।